आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी। चल रहे फर्जी केस, विधायक अमानतुल्ला खान से मिलने के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। उड़ीसा की राजनीति में आया भूचाल, भाजपा के 20 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा, कहा झूठे वादे करती है पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस ने भी फाइनल किए 100 उम्मीदवारों के नाम, बीजेपी 20 अक्टूबर तक घोषित करेगी सभी प्रत्याशी। पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए ने कसा शिकंजा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देश भर में 20 जगहों पर मारी रेड, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते संगठन पर लग चुका है बैन। एक देश एक चुनाव 2029 में संभव, राज्यों की सहमति जरूरी नहीं, लो कमीशन इसी महीने कानून मंत्रालय को दे सकता है रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही बड़ी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग, हर प्रत्याशी अपने यहां चाह रहा है मुख्यमंत्री की रैली। IMF ने भारत की विकास दर का अनुमान दूसरी बार बढ़ाया, वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% की रफ्तार से बढ़ेगी इकोनॉमी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बनेगी किंग मेकर, बसपा सुप्रीमो मायावती के प्लान से बड़ी बीजेपी और कांग्रेस की धड़कन। कश्मीर में किसी के कंकड़ उठाने की हिम्मत नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले पहले लोग कहते थे कि 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बहा देंगे। इसराइल पर अटैक भारत के लिए सबक, रिटायर्ड आर्मी अफसर बोले बेस्ट फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी भी नहीं बचा पाई, हमें अलर्ट रहना जरूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 13 अक्टूबर को 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के प्रवास पर रहेंगे, दोहराया जाएगा गुलाम कश्मीर की वापसी का संकल्प। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं ने टिकट कटने पर किया विरोध प्रदर्शन, नाराज नेताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी के झंडे तक जलाए। कांग्रेस की अहम बैठक में कैंडी क्रश खेलते हुए दिखे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी ने कसा तंज, कहा अगले 5 साल में यही खेलना है, तैयार रहिए। गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट 21 अक्टूबर को भेजेगा इसरो, श्री हरिकोटा सेंटर पर होगी टेस्टिंग, नौसेना ने शुरू किया मॉक ऑपरेशन।